मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इस मामले में फैलाई जा रही खबरों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति देने की खबरें गलत है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ये खबरें तेजी से चल रही है कि कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी जमीन खरीद सकता है, जिसे लेकर आदिवासियों में गुस्सा भी बढ़ने लगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने आदिवासी इलाकों में उनकी जमीनों को गैर आदिवासियों को बेचने का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। आदिवासियों के हितों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम कमलनाथ ने साफ कहा कि आदिवासियों की जमीन बेचे जाने को लेकर सरकार ने किसी भी तरह के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी की जमीन खरीदने के बाद डायवर्जन के लिए जो समय सीमा थी उसे खत्म करने का फैसला लिया है। प्रदेश में ऐसी खबरें चल रही थी कि प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू राजस्व की संहिता की धारा 165 के तहत सरकार ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को बेचे जाने की अनुमति दी है। इसको लेकर आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई थी। सीएम कमलनाथ की सफाई के बाद साफ हो गया है कि प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी को बेचे जाने या फिर लीज पर दिए जाने को लेकर पूर्व के नियम यथावत रहेंगे। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।